आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.8 ऑफ क्लास 12 की इंट्रोडक्शन, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले हमें रोल्स थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि रोल्स, ये देखिए मीन वैल्यू थ्योरम है, और मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले हमें रोल्स थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। अब रोल्स थ्योरम है क्या, ये चलती कैसे है, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग्स। पहले मैं कुछ बता दूं इसके बारे में कि नॉर्मली ट्वेल्थ में हम प्रूफ नहीं करते हैं, लेकिन इस थ्योरम में मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ चीजें ऐसी बतानी होंगी जो कि आपको समझने में हेल्प करेंगी। उसके लिए मुझे डायग्राम्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, वर्बल नोट्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि बी पेशेंट और बड़े ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को, क्योंकि शुरू शुरू में ये बहुत मुश्किल लगती है और बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या होता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लीव दिस। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बड़े आराम से इसको समझिएगा, ठीक है, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है, जब भी क्वेश्चन आएगा इसका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और नॉर्मली वो आसानी से हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मटेरियल दिया गया है इस थ्योरम को समझने के लिए, मीन वैल्यू एमवीटी, मीन वैल्यू को हम एमवीटी बोलते हैं, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम या रोल्स थ्योरम को समझने के लिए जो मटेरियल दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इनसफिशिएंट है। अगर वो इनसफिशिएंट है तो उसे सफिशिएंट करना पड़ेगा बाय सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो पहले ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, ऑफ कोर्स फिर वर्कशीट में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट गोइंग और देखते हैं कि व्हाट इज रोल्स थ्योरम। वंस वी अंडरस्टैंड रोल्स थ्योरम देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू मीन वैल्यू थ्योरम, लेट्स सी। चलिए जी, मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं। नोट्स क्या है कि लेट f be a real valued function on the closed interval a to b such that, ये तीन conditions हैं। सबसे पहले तो हम इसका ही मतलब समझ लेते हैं कि कहता है कि let एक function है, एक real valued function है। real valued function का मतलब होता है and on the closed interval a to b, इसका मतलब है कि अगर एक function जिसमें input a to b है, ठीक है, and that goes to R, इनपुट ए टू बी है और जो आउटपुट है यानी रेंज है वो रियल नंबर्स है, ये मतलब होता है हमारे पास किसका, रियल वैल्यूड फंक्शन का। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि वी विल कंटिन्यूअसली टॉक अबाउट दी कोऑर्डिनेट प्लेन, और हमें ये पता है कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, और हमें ये बात की जानकारी है कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट नंबर्स इन दिस प्लेन, ठीक है, -1 -2, क्योंकि ये रियल नंबर प्लेन होता है, ठीक है, सारे के सारे इरेशनल रैशनल सारे नंबर इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। मैं ए और बी के बारे में बात की है तो मैंने नंबर्स के बारे में बात की है, इसकी आउटपुट के बारे में बात करूंगा तब भी किसी ना किसी नंबर के बारे में ही बात करूंगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे, देखिए कहता है कि अगर ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी इनपुट ए टू बी है क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा, दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली है कि जो इनपुट होगी वो ए टू बी होगी, अच्छा, इंक्लूडिंग दीज, और जो आउटपुट होगी वो रियल नंबर्स होगी, वो कुछ भी हो सकती है, ए से भी कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इसकी थ्योरी कई बार बोरिंग लगती है बच्चों को। बच्चों ये बोरिंग हो सकती है पर इम्पोर्टेंट उससे भी कहीं ज्यादा है, जितनी ये बोरिंग है उसे 1000 times ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमें क्वेश्चन नहीं करने आएंगे। हाउएवर, अब पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर ये रोल्स थ्योरम बेस्ड है, वो कंडीशन क्या है कि f इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन a टू b। कहता है कि जो f है, जो कर्व बनेगी, ये जो कर्व बनेगी
ये कंटिन्यूस है कि हमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर जो हम प्लस वन में सारा कंटिन्यूटी समझ के आए हैं, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम समझ के आए हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो वो चीज है। हाउएवर आसान सा काम है कि कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। दूसरी बात है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए लेकिन ओपन इंटरवल्स पे। अब बच्चे ये पूछते हैं कि सर कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे, ये क्यों? तो ये मैं आपको बता सकता हूं। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से लेट्स से कर्व है, इस तरह से, तो ये कंटिन्यूस कर्व है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूस कर्व है, अब आप ये देखिए, अगर उसने ए से बी बोला है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी को इंक्लूड नहीं किया, इनके बीच में जितने नंबर हैं उनको इंक्लूड कर लिया। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा ए है, ठीक है, पॉइंट ए है, ये माइनस में होगा लेकिन पॉइंट ए है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि सर ने ए लिखा तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, नहीं, नंबर नेगेटिव है उसको रिप्रेजेंट ए कर रहा है, और ये मान लीजिए बी है, नंबर बी है, रिप्रेजेंट पॉजिटिव किसी नंबर को कर रहा है। अब क्यों इसके बीच में हमने नंबर्स लिए और ये क्यों नहीं लिए? देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी जो है, जो नंबर उसने बोला ना कि एफ इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो जो डिफरेंशिएबिलिटी जो है, डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो एक यूनिक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। याद रखिएगा ये बात, जब भी हमें कोई फंक्शन दिया होता है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है वो एक यूनिक टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब ए पे आई कैन ड्रॉ एन नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, जितनी मर्जी खींची जाऊं मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींच सकता हूं, वही मैं बी पे भी इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींच सकता हूं। तो जब मैंने इतनी टेंजेंट्स खींच लेनी है तो यूनिक तो रह ही नहीं गई, इनफाइनाइटली मैनी हो गई एंड पॉइंट्स पे, इसीलिए ये फंक्शन जो है, ये जो हम करते हैं रोल्स थ्योरम, तो इसका जो फंक्शन होता है उसमें हम फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व, और अगर वो एक कर्व रिप्रेजेंट करेगा तो उसके एंड पॉइंट्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे। जब ये दो चीजें हो जाती हैं तो हमें जो तीसरी चीज चेक करनी होती है वो होती है एफ ऑफ ए, यानी जो भी फंक्शन दिया है। मान लीजिए मेरे को फंक्शन दिया है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे को फंक्शन दिया है f of x is equal to x square, यानी y is equal to x square है, ये तो आपको पता ही है, और a की वैल्यू 2 दी है और b की वैल्यू माइनस 2 दी है, लेट्स से, तो आप ये देखिए कि f of 2 क्या आएगा, 4, f of माइनस 2 क्या आएगा, वो भी 4, तो अगर ये इसका मतलब क्या है, f of a is equal to f of b हो नहीं गया? अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हो गया है तो हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो जब हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, ये तीन कंडीशन रोल्स थ्योरम के लिए याद रखिएगा, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये दो से ये निकली, और अगर ये पूरी तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो गई हैं, तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। रियल नंबर को मैंने अलग से लिखा है इसलिए ताकि आपको याद रहे, कहता है कि ए और बी के बीच में, देखिए ए और बी के बीच में रियल नंबर, पक्की बात है रियल नंबर ही आएगा अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर आएगा सी, ठीक है, कोई भी वो नंबर होगा इसके यहां से लेके यहां तक इस पूरी कर्व पे, उस नंबर को हम बोलेंगे सी, माइनस वन माइनस टू वन टू, रैशनल इरेशनल कोई भी नंबर आ जाए वो सी से रिप्रेजेंट हो जाएगा और वो इसके बीच में ही आएगा। सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, कहता है कि सच दैट ऐसा होगा कि एफ डैश सी, सी एक नंबर है और वो कांस्टेंट होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होगी ना, लेकिन ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि हर एक नंबर आएंगे तो इस पे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स, लेकिन वो वेरिएबल के साथ आएंगे, एक ही नंबर ऐसा होगा जिसकी डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो हो जाएगी, और जैसे ही वो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, अब जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जैसे ही उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी वो
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि टेंजेंट जो होती है वो होती है स्लोप, ठीक है, और स्लोप जो होती है वो होती है टैन थीटा, और टैन थीटा जीरो होना चाहिए। टैन थीटा जीरो होने का मतलब ही क्या है कि द स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा एक बात और सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि स्लोप ऐसी हो, स्लोप ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है अगर ऐसा मैं बनाऊं, मान लीजिए ऐसा मैं बनाता हूं, तो यहां पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यहां पे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स विच आर पैरेलल टू, ठीक है, एट विच द स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और या फिर मैं दूसरी तरह से कहूं कि देयर आर मल्टीपल ऑफ पॉइंट्स, यहां सी है ना, फिर मल्टीपल आएंगे तो सी वन सी टू सी थ्री से रिप्रेजेंट करने शुरू कर देंगे, ठीक है, तो जिनकी जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगी। जरूरी नहीं है एक ही है, लेकिन ऐसा बोला जाता है या हम समझने के लिए ऐसा कह देते हैं कि जब भी एक ही क्वाड्रेंट में कर्व टर्न लेती है या शुरू होती है और वो टर्न लेती है और जहां ही उसकी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाती है वो कर्व वहां से यू टर्न लेती है। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा के लिए तो नहीं मैं बोल सकता, पर नॉर्मली ऐसा ही होता है कि यू टर्न, देखिए यहां से जैसे ही इसने यू टर्न लिया, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगी। कभी भी आप ये देखिए अगर ऐसी कर्व है यहां तक आ रही है तो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, ये जैसे और रुकी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, रुकी कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही इसने टर्न लिया यू टर्न, ये पैरेलल हो गई एक्स एक्सिस के। और अगर रोल्स लगानी है तो फिर ये और ये इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और मैं अभी भी ये मान के चलता हूं कि आपके पल्ले ज्यादा बातें पड़ी नहीं है जो मैंने बोली है, तो लेट्स सी कि और क्या क्या इसमें समझा जा सकता है या क्या क्या किया जा सकता है। एक बार फिर से थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं कि इन तीन कंडीशंस को, क्योंकि मुझे लगता है ये जरूरी है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एंड पॉइंट्स पे, ठीक है, सॉरी इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, बीच में भी कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस आपको पता है लास्ट ईयर हम पढ़ के आए थे कि लिमिट्स जो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मैंने बताया था आपको। डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट्स पे नहीं होना चाहिए, बीच में कर्व के पूरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एंड पॉइंट्स पे क्यों नहीं होता है। इन ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो तीसरी कंडीशन निकलेगी कि जो फंक्शन है उसकी दोनों एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस ए और बी के बीच में एक पॉइंट आएगा, कोई एक नंबर आएगा जिसे मैं सी दे लूंगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसा कि मैं अभी डिस्कस करके आया हूं, कम से कम एक तो आ ही जाएगा। अगर ऊपर वाले तीन पॉइंट सेटिस्फाई करता है फिर तो पक्का आएगा, ठीक है, वो गारंटीड है बात। तो उस सी पॉइंट को मैं, मतलब वो सी पॉइंट जो होगा एक रियल नंबर होगा सच दैट अगर मैं उसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो जीरो होगी। वो जीरो क्यों होगी? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि टेंजेंट, जो टेंजेंट है या ये जो हमारे पास कर्व की टेंजेंट बन रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और एक्स एक्सिस की टेंजेंट जो होती है या एक्स एक्सिस की स्लोप जो होती है वो जीरो होती है, टैन जीरो, ठीक है, लास्ट ईयर हम पढ़ के आए थे स्ट्रेट लाइंस में, इसीलिए इसकी जो स्लोप है अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो भी टैन जीरो होगी, तो वो भी जीरो होगी। तो ये सारी चीजें हमने की हैं और ये थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन है दैट इज अबाउट रोल्स थ्योरम। चलिए दोस्तों अब एनसीईआरटी की थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। देखिए बेसिकली जो मैंने आपको बताया है कि ये अगर पॉइंट, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और मैंने बोला था आपको कि जैसे ही ये यू टर्न लेगी, ठीक है, जैसे ही ये यू टर्न लेगी जो स्लोप है वो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है, ठीक है, दिस विल बी एफ ऑफ सी, ठीक है, और ठीक है, और इसकी ये एफ ऑफ सी है, जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो जीरो होगी क्योंकि इसकी स्लोप भी जीरो है, तो इसकी स्लोप भी जीरो हो जाएगी।
तो ये एक है, ठीक है। इसके उल्टा भी बन सकता है, मैं थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूं यहीं पे कि कर्व कुछ इस तरह से भी हो सकती है। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां से हमारे पास ये जो आया है ये एफ डैश सी हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ सी हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, स्लोप की वैल्यू, रादर आई शुड से कि स्लोप की वैल्यू जीरो हो जाएगी अगर ये इसके पैरेलल हो गई है। तो ये एक और डायग्राम बन सकती है ऐसी। अब इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जब मैंने आपको बोला था कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सी, मैंने वहां पे भी एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, ये देखिए अगर कर्व इस तरह से है, कंटिन्यूअस कर्व है बिल्कुल, यहां से ये पॉइंट जो है ये देखिए सी वन बोल सकता हूं मैं इसे, ये सी टू बोल सकता हूं मैं इसे, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, लेकिन इनकी जो स्लोप्स हैं वो जीरो हैं। क्यों जीरो हैं? क्योंकि एक तो यू टर्न ले रही हैं, ठीक है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रही हैं, तो अपने आप ही आप ये देखिए कि ये जीरो बनती जाएंगी स्लोप्स की वैल्यू। हाउएवर अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। चलिए जी, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद होनी चाहिए या जिनका हमें ध्यान रखना है, वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, ठीक है, मैं लिख देता हूं। चलिए दोस्तों, मैंने लिख दी हैं सारी चीजें, आई होप कि आप वीडियो पॉज करेंगे सुनने के बाद और सभी का नोट बनाएंगे। ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे हैं, आप 8, 9, 10, 11 सारा पढ़ते ही आए हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, फिर भी मैं आपको बताता रहूंगा। फिर कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं आर पे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं ऑन देयर डोमेन, ठीक है, जगह कम थी इसलिए डोमेन, ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन देयर डोमेन। इसका मतलब है कि हमें डोमेन्स पता होने चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यार ये क्या पंगा है, बड़ा मुश्किल है, कुछ नहीं है ऐसा, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं इसके, अगर थोड़ी सी चीजें हमारे दिमाग में रहती हैं, करेंगे बात हम। और इसके बाद e की पावर x, log x, सारे कांस्टेंट फंक्शन, ये भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं। आई होप यू गेट दैट। इसके बाद की बात अब करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, ताकि आपको ये चीजें और ज्यादा मुश्किल ना लगें, आसान हो जाएं और आपको ये भी लगे कि ये आसानी से समझ आ सकती हैं। लेट्स सी। चलिए, ये एग्जांपल नंबर 42 पेज नंबर 185 मैंने ये लिखा है, y यानी f of x is equal to x square plus 2 और a is equal to minus 2 and b is equal to 2। मैं आपको बता दूं कि इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, वो ये भी बोल सकते हैं कि माइनस टू टू टू, और वो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूं कि एग्जामिनर आपको क्या क्या दे सकता है, ठीक है। नॉर्मली ये क्लोज ब्रैकेट में ही होगा, मैं दोबारा से नॉर्मली बोल रहा हूं, होता तो हमेशा ही है, लेकिन फिर भी नॉर्मली इसलिए क्योंकि पता नहीं होता कि एग्जामिनर क्या चेंज कर दे और वो क्या मुश्किल डाल दे, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई है माइनस टू से टू, या ये चीज है तो इसका मतलब ये ए है ये बी है। अब क्वेश्चन देख के हमें समझ जाना चाहिए कि ये ए है ये बी है, कंटिन्यूअस इस पे होगा, वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल माइनस टू और टू के ऊपर नहीं होगा, अदरवाइज होगा इनके बीच की किसी भी वैल्यू पे, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू सी आएगी जिसकी डिफ्रेंसिएशन मैं करूंगा तो वो जीरो हो जाएगा। अब वो जीरो हो जाएगा तो हमारे पास वो सी जो आएगा दैट विल बी आर आंसर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको धीरे धीरे अगर हम समझेंगे तो हमें ज्यादा आसान है। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन क्वेश्चंस में जो हमें मार्क्स दिलाती है वो चीज है हमारा
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका और क्वेश्चन को लिखने का तरीका, ठीक है, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। यहां लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, ये पूरा मैं लिख ही लेता हूं, a इज इक्वल टू माइनस टू, b इज इक्वल टू टू, इस बार इस तरह से हमें दिया है। यहां हम लिखते हैं कि द गिवन फंक्शन ठीक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। यहां पे भी लिखना चाहिए मुझे एट, ये तो इंपॉर्टेंट है, माइनस टू टू टू, ये आपने एक चीज लिख दी है। इसका मतलब एग्जामिनर जब भी देखेगा, आपके बुलेट पॉइंट्स देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि द स्टूडेंट हैज द नॉलेज ऑफ दिस, ठीक है, यहां पे ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद मैं लिखूंगा कि द गिवन फंक्शन एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट माइनस टू टू टू। देखिए मैंने एक्सक्लूड कर दिया माइनस टू से टू, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट भी हमारे पास क्लियर हो गया है। नाउ f ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, यानी when a इज इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स आ गया, फोर का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर प्लस टू सिक्स, ठीक है। when b इज इक्वल टू टू, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स आ गया। यहां मैं लिखूंगा देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्स आ गया, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अगर पहली दो सेटिस्फाई हुई थी तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, एग्जामिनर ये भी देखेगा। अब हमारा इसके बाद मुद्दा क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c, यानी माइनस टू से टू के बीच में, माइनस टू से टू के बीच में एक रियल नंबर आएगा, माइनस टू और टू नहीं हो सकता, ये भी एक मतलब है कि सच दैट f डैश c, ठीक है, जो हमारा जीरो होगा। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हेंस, फॉर्मेलिटी है कर देते हैं, हेंस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कोइंसाइड्स एट माइनस टू एंड टू। ये एक हमारा मीनिंग है इसका, ठीक है। ये सारी चीजें लिखनी जरूरी हैं, अच्छी चीज है, एग्जामिनर को ये फील मिलता है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की। अब मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट a point C that belongs to minus 2 to 2 where f dash C is equal to 0। परेशानी ये है कि रोल्स थ्योरम वैसे बतानी बहुत आसान है कि ये तीन कंडीशन है, याद कर लो जी, और
क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। ये कोई नहीं बताता कि क्वेश्चन को प्रॉपरली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं बड़े आराम से बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं ताकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी रहती है, तो आप कर पाए उसे। अब आप ये देखिए कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग, टू एक्स ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना, ये हो गया। अब बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अब आ गई सी की वर्किंग। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूं। ये जो हमारा इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका ग्राफ बनेगा। अगर मान लीजिए यहां पे वाई टू है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, माइनस टू से टू, लेट्स से, ठीक है। ये माइनस टू है और ये टू है और यहां पे जीरो है। आप इस बात को समझिए कि अगर ये एक डिफरेंशिएबल है तो एक टेंजेंट बनेगी। यहां पे तो ये दिख रहा है कि ये टेंजेंट है और ये जीरो है, लेकिन कोई भी मुझे नहीं पता कि टेंजेंट कहां पे बनेगी। हर क्वेश्चन में थोड़ी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको तो ये देखना है कि कोई एक पॉइंट होगा सी, ठीक है, जहां पे मैं करूंगा एफ डैश सी, जो मैंने आपको बताया भी है कि कोई एक पॉइंट होगा सी जहां पे हमारा एफ डैश सी जो होगा वो जीरो होगा। और वो सी क्या वैल्यू है, वो सी वैल्यू कहीं यहां पे आएगी एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है कि वो एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहां पे फिर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और एफ डैश सी क्या है, जीरो। अब देखो एफ डैश एक्स, या यहां आप ना भी लिखो तो एफ डैश एक्स क्या है मेरे पास, टू एक्स, सी क्या, एफ डैश सी क्या है, जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो नहीं आ गई। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमेशा ही जीरो आएगी। नहीं बच्चों, क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जहां पे ये नहीं आएगी, लेकिन इस केस में जो सी है या अभी तो एक्स की वैल्यू आई है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो सी है वो जीरो है। जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें जो टेंजेंट मिलेगी, जहां पे ये कर्व पे जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें जो टेंजेंट मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और उसकी स्लोप जीरो होगी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। देखिए अब मैं लिख सकता हूं कि एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, देयरफॉर सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, विच बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। अगर आप ये काम करते हैं तो कोई आपके नंबर नहीं काट सकता है। ये हो गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 42। दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन डन और इट शुड बी डन। चलिए जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम MVT, ठीक है। MVT ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें कई बच्चों के कई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए हैं, ठीक है। वो क्या है, लेट्स सी। वो ये है कि सर आपने बोला कि ये होगा, पहली दो कंडीशंस के बारे में बात की, तो मैंने कहा हाँ ठीक है जी, कि पहली कंडीशन है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, बच्चे कहते ठीक है। मैंने कहा दूसरी कंडीशन ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, बच्चे कहते ठीक है सर, मान लिया कि ये गिवन है। कहते सर व्हाट इफ अगर एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, पहली बात। कहते कि अगर ये चीज इक्वल नहीं है तो आप भी ये मानेंगे कि एफ डैश सी कांट बी इक्वल टू जीरो। देखिए बात तो दोनों ही जायज है कि अगर मान लो, जरूरी थोड़ी है कि हर बार हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू जैसा ही फंक्शन हो जो एफ ए और एफ बी को इक्वल कर दे, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं। तो ये कई सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं
जिनका आंसर मीन वैल्यू थ्योरम देती है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए टू बी, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी तीन कंडीशंस हैं, अब देखते हैं वो कौन कौन सी, ठीक है, कि फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा क्या है, फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप प्रॉपरली, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं साथ में, तो आप प्रॉपरली पॉज करके इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ए टू बी, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहां पे हमारे पास एक रूल आ गया कि जब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो क्या लगेगी, रोल्स थ्योरम। अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो हमारे पास क्या लगेगी, मीन वैल्यू थ्योरम, एम वी टी, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बच्चे कहते हैं सर ये तो हमने भी बुक से देख लिया, पर ये आया कहां से। मैंने कहा हाँ ये बात तो है कि ये आया कहां से। तो अब इसके बारे में थोड़ी रूपरेखा तैयार करते हैं और फिर समझते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का मतलब क्या होता है। अब आप ये देखिए कि एफ डैश सी जो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, मतलब नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ये लिख नहीं सकता कि ये होगा नहीं। अगर ऐसा नहीं आता है तो क्या होगा, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम्स की हेल्प से समझाऊंगा और आपको बड़ी सारी चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिएंगे, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और कोई फंक्शन जो है, अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो इक्वल है नहीं है, तो लेट से ऐसे करके कोई एक कर्व है, यहां पे हमारे पास एक वैल्यू है ए, ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और ये क्या है, ये एफ ऑफ ए होगा फिर, ठीक है, कोई वैल्यू पुट करूंगा तो वाई आता है, आपको पता है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू भी वाई होगा और वो वाई एक्सिस पे ही आएगा। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। और इसी तरह से मान लीजिए ये कोई पॉइंट मेरे पास बी पॉइंट है, ठीक है, तो अगर ये बी पॉइंट है तो मेरे पास यहां पे ये क्या आएगा, एफ ऑफ बी आएगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए नहीं हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी कॉमा एफ ऑफ बी नहीं हो जाएंगे। ये तो हो गए जी कोऑर्डिनेट्स। अब मैं क्या कहता हूं कि मैं कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों इसे लो मिला, आपको पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट से अगर ये एंड पॉइंट ए है, ये एंड पॉइंट बी है, तो अगर ए टू बी मिला दिया तो इसे सीकेंट बोला जाता है, ठीक है, ये एक सीकेंट है। अगर मैंने आपसे ये बोला है कि मुझे इस सीकेंट की स्लोप बता दीजिए, तो आपको प्लस वन याद आ जानी चाहिए, प्लस वन में टू पॉइंट स्लोप फॉर्म याद आ जानी चाहिए। तो टू पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि f ऑफ b यानी y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ठीक है, x2 टू माइनस एक्स वन। ये देखिए बना नहीं बना ये फॉर्मूला, लेकिन अभी ये पार्ट मिसिंग है इसमें, ठीक है, उसकी बात हम कर लेते हैं कि f डैश c कैसे आया। अब इसने हमें ये समझाया है कि ये जो टेंजेंट, ये जो सीकेंट है और ये जो स्लोप है, इस स्लोप में कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूं, दैट कैन बी मोर देन वन, बट कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो कि सी होगा, जिसपे अगर मैं स्लोप खींचूंगा, ठीक
ठीक है, ये तो मैंने वेग सी ऐसे ही बना दिया जस्ट आपको समझाने के लिए कि कोई पॉइंट एक सी पॉइंट होगा जिसपे मैं अगर स्लोप खींचूंगा तो वो स्लोप जो होगी वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, आपको समझ आया। और स्लोप क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, यानी इसकी स्लोप क्या होगी, एफ डैश सी होगी इसकी स्लोप, इस स्लोप, ठीक है, ये स्लोप जो है वो एफ डैश सी होगी। और ये स्लोप और ये स्लोप पैरेलल है, तो इसका मतलब जैसा हमने प्लस वन में सीखा था कि इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी, इसका मतलब कि इस सीकेंट की स्लोप और ये टेंजेंट इक्वल हो जाएंगी। और ये जब इक्वल होंगी तो फिर ये तो सीकेंट आई थी ना, इसके इक्वली आ गई ना ये स्लोप, तो एफ डैश भी आ गई। तो ये सारी चीज है हमारी समझने वाली। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई दिक्कत है, उनसे जरूर पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। अगर इसको दोबारा से समझना हो, मान लीजिए मैं एक ऐसे करके हमारे पास एक स्लो बनाता हूं मैं, ठीक है, ये आ गई एक सीकेंट, ये आ गई एक कर्व, ये बी कॉमा एफ बी हो गया। अब आपको पता है आए कैसे हैं, ए कॉमा एफ ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बन गई टेंजेंट, ठीक है, ये एफ डैश सी हो गई, ये कोई पॉइंट सी आ गया, इसकी स्लोप और इस सीकेंट की जो स्लोप है वो सेम है हमारे पास, तो फिर दोबारा से यही फॉर्मूला तो बनेगा। और ये होती है मीन वैल्यू थ्योरम, व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। आई होप यू रिमेंबर दैट नाउ। बस मैं आपको ये बात बतानी जरूरी समझता हूं यहां पे कि जैसा मैं पहले भी बता के आया हूं कि ये कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता, ये मोर देन वन पॉइंट भी हो सकते हैं, और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए अगर मेरे पास ये एक स्लोप है तो ये देखिए ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया। सो आप ये देखिए ये कंटिन्यूस भी है, ये स्लोप जो है ये डिफरेंशिएबल भी है नॉट इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, और ये जब मैंने इसकी स्लोप निकाल ली टू पॉइंट फॉर्मूला लगा के तो ये स्लोप आई। यहां पे अगर कोई पॉइंट सी वन है उसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश सी वन आ गया जो कि इसके इक्वल है। यहां पे पॉइंट सी टू है तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश सी टू आ गया जो कि दोबारा से जिसकी स्लोप इसके इक्वल हो जाएगी। सो यहां से मुझे ये पता चलता है कि आई कैन हैव मोर देन वन पॉइंट टू अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, और मोर देन वन पॉइंट रोल्स थ्योरम में भी है, ये भी मैं बता के आया हूं। इसीलिए यहां पे ये जो फॉर्मूला है, अब इसको कंप्लीट करते हैं कि उसने बोला है कि व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वी, देन ध्यान से देखिएगा, देन देयर एग्जिस्ट्स सम सी को लिखने का कारण ही ये है बिकॉज देयर कैन बी मोर देन वन सी, ठीक है, विच बिलोंग्स टू ए टू बी ओपन इंटरवल में। यहां से अब ये सारी चीज इस फॉर्मूले को कंप्लीट करती है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बड़ी आसानी से। चलिए जी, आ गए हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 43 पे, और फंक्शन जो हमें दिया है वो एक्स स्क्वायर दिया है। मैं पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि जेई के बच्चों के लिए या कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, तो मैं इसको ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवाऊंगा, और पहले तो मैं जो बोर्ड हमसे डिमांड करता है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्लोज्ड इंटरवल में 2 to 4 है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, द गिवन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज अ
कंटिन्यूअस फंक्शन एट 2 to 4, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे आप पूरा ही लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। अच्छा एंड ठीक है द गिवन एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि तीन कंडीशन तो पूरी करनी है ना एट 2 to 4। अब देखिए मैंने ये एक्सक्लूड कर दी है, ठीक है। नाउ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, देयरफॉर एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। बाय अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमारे पास है एफ मीन वैल्यू थ्योरम, चलिए फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ये क्या आ गई, ये जो सीकेंट बनाई थी मैंने उसकी स्लोप आ गई है, समझ आया आपको। तो लिख लूं मैं यहां पे एफ ऑफ बी कितना है मेरे पास, यहां पूरा ही लिख लेते हैं प्रॉपरली, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट है हमारा, ये है वैल्यू ऑफ सी, डू नॉट फॉरगेट दैट। अभी डायग्राम से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, मैंने इसको सी बोल दिया है गलती से, सॉरी इट्स अ सी डैश, क्योंकि यहां पे एफ डैश सी आएगा, ठीक है, एफ डैश सी आ जाएगा। अच्छा अब आप ये देखिए कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट, यानी यहां मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द मीन वैल्यू थ्योरम सी बिलोंग्स टू 2, 4 सच दैट, ध्यान से देखेंगे अब, क्योंकि लिखना कैसे करना है इस क्वेश्चन को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब आप ये देखिए, ध्यान से देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड एफ डैश एक्स क्या है, 2x, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि x एक पॉइंट है किसका, x एक्सिस का। अच्छा ये आ गया हमारे पास, विच इंप्लाइज दैट which implies that c is equal to 3, ठीक है, that belongs to 2, 4, और देखिए 2 और 4 के बीच में नहीं है, ठीक है, and f dash c is equal to 6 आ जाएगा, ये y की वैल्यू, ये दोनों चीजें पूछते हैं। अब इसको मैं डायग्राम की हेल्प से करके बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़ा मजे से समझ में आएगा ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से है, क्योंकि अब एक वैल्यू मेरे पास 2 है और दूसरी वैल्यू मेरे पास 4 है, तो कुछ इस तरह से आएगा, ये मान लीजिए यहां पे कहीं 4। अब आप ये देखिए, मैंने इसको दिया मिला, एक सीकेंट बना दी मैंने, ठीक है। जब मैंने सीकेंट बनाई तो स्लोप क्या आई मेरे पास,
इसको मैं लिख लेता हूँ पहले टू कॉमा, हमारे पास फंक्शन था स्क्वायर में तो फोर, और यहाँ फोर कॉमा सिक्सटीन, तो स्लोप क्या आई थी मेरे पास 16 माइनस फोर अपॉन फोर माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स। इसका मतलब कि इसकी स्लोप जो है, ठीक है, ये इसकी स्लोप जो है वो है सिक्स। इसका मतलब इस जो कर्व है, जो जिस पॉइंट पे ये इसके पैरेलल होगी, उसकी स्लोप भी क्या आएगी, सिक्स। देखिए मैंने लिखा था ना f डैश x इज इक्वल टू टू एक्स, और टू एक्स को सिक्स के इक्वल किया था, यही रीजन था। ये आपको समझ में आना बड़ा जरूरी है। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ग्राफ पे भी ये चीजें देखें, और बड़े ध्यान से, सबसे पहली चीज हमारे पास a और b ये कंटिन्यूस है, क्योंकि अगर मैं वैसे आपको बता रहा हूं, क्योंकि x स्क्वायर था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन है, तो ये कुछ इस तरह से चलता, ये ऐसे करके जाता, लेकिन क्योंकि 2 से शुरू था तो हमें आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे ही हमने रोक लिया 2 और 4। फिर हमने यहां पे एक पॉइंट ढूंढा C, C एक पॉइंट कौन सा है, C एक पॉइंट 3 है, ठीक है। और आप ये देखिए, नॉर्मली मैं बता रहा हूं, हमेशा तो नहीं बता सकता, मैं नॉर्मली बता रहा हूं कंपटीशन के बच्चों के लिए कि उनको पता कैसे चलता है। देखिए ये मीन वैल्यू थ्योरम है, अगर आपने इसकी स्लोप निकालनी है तो इन दोनों को माइनस कीजिए और उसकी एवरेज निकाल लीजिए, टू आएगी सिक्स आएगी, इन दोनों को वाई बी और वाई ए को माइनस कर लीजिए। इसी तरह से अगर आपने एक्सिस की, यानी आपने पॉइंट सी ढूंढना है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए और उसकी एवरेज निकाल लीजिए। जब आप y की बात करेंगे तो माइनस करेंगे और एवरेज निकालेंगे, जब आप x की बात करेंगे तो ऐड करेंगे और एवरेज निकालेंगे। देखिए माइनस करूंगा तो मैं 6 आएगा, जो कि मेरी स्लोप हो जाएगी, ठीक है, ऐड करूंगा और डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, जो कि मेरा पॉइंट हो जाएगा। यही एक चीज थी जो मैं कॉम्पिटिशन्स के बच्चों के लिए समझाना चाहता था। रादर ये कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, सभी के लिए है, शॉर्टकट मारिए, क्योंकि MCQs आने शुरू हो गए हैं अब, और आपको केयरफुल रहना चाहिए, और छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें सीखना चाहिए। एक्सरसाइज 5.8 इज योर होमवर्क नाउ, आपको ध्यान से करनी है ये। कोई डाउट्स होंगे तो मुझसे जरूर पूछिएगा, आएंगे वैसे डाउट्स इनमें ना, और वेट फॉर माई वर्कशीट। इसके ऊपर मैं एक सिंपल डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक ओनली मैं एक वर्कशीट भी आपको बना के पोस्ट कर दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। Have a beautiful day ahead. Bye-bye.